नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेजन में अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में अपने खाता बनाते हैं। तो अमेजन ऐप्स में अपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, अपना खाता बनाने के लिए अमेजन ऐप्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अमेजन ऐप्स ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे तीन लाइन दिखलाई दे रहा होगा, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा, योर अकाउंट। तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे योर अकाउंट पे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। अगर आप अमेजन में अपना खाता पहले से बना रखे हैं तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर सकते हैं। अगर आप अमेजन पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं और आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट अकाउंट पे। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं या फिर चाहे तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आपके पास यदि ईमेल आईडी है तो आप यहां पे जरूर ईमेल आईडी डालें। दोस्तों, ईमेल आईडी डालने से फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी अपडेट आपके मेल पे आ जाती है। इसके बाद यहां पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, कम से कम 6 कैरेक्टर का जो हो, वो यहाँ पे इंटर कीजिएगा। 6 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड यहाँ पे इंटर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम अपना सारे डिटेल को फिल करते हैं और इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना नेम इंटर किया हूँ और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम यहाँ पे अपना नहीं डाला हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर किया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OPT जाता है, वो OPT को यहाँ पे डालना होता है, तो मैं उस OPT को डाल रहा हूँ। OPT डाल देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट योर अमेजन अकाउंट। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फिर से कंटिन्यू शॉपिंग। अब दोस्तों, यहाँ से आपकी अमेजन अकाउंट बन जाती है, मगर आपके अकाउंट में कुछ जरूरी सेटिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस अपडेट करना होता है, तो एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आपको आ जाना होगा फिर से योर अकाउंट पे, और योर अकाउंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा योर एड्रेस। यहाँ पे आपको फिर से जाना होगा एड ए न्यू एड्रेस पे, और यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आपको अपने घर का नंबर डालना होगा। अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एरिया, स्ट्रीट, कॉलोनी डालना होगा। लैंडमार्क अगर है तो आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप खाली छोड़ सकते हैं। तो इतना कर लेने के बाद मैं आगे की आपको प्रोसेस बताता हूँ कि इतना कर लेने के बाद आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिल कर चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अपना नेम डाला हूँ और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे मैं पिन कोड डाला हूँ, इसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर के जगह पे हम अपना नेम को एंटर कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया या फिर कॉलोनी का नेम डालना होता है। यहाँ पे मैं अपना लैंडमार्क लोकेशन नहीं सेट किया हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना लैंडमार्क लोकेशन डाल सकते हैं। और इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट एंड एड्रेस टाइप पे, आपका एड्रेस ऑफिस वाला है या फिर घर वाला है। तो यहाँ पे मैं होम सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा ऐड एड्रेस। तो यहाँ से अब आपकी अमेजन अकाउंट बनके कंप्लीट हो जाती है और आपके अमेजन अकाउंट में एड्रेस भी ऐड हो जाता है। यदि अब आप चाहें तो अपने अमेजन अकाउंट से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि अमेजन में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।